नॉलेज ग्रिप के इस खास वीडियो क्लिप में आपका स्वागत है। अपने इन स्पेशल वीडियोस के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ऑडिट्स और रूलिंग्स के ऊपर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात करेंगे। हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बात किया और सेम सेक्स मैरिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट रहा, उसे भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो सेम सेक्स मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मंगलवार को सर्वसम्मति से, यानी एक दूसरे के कॉन्सेंट से, एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये कहा कि समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिजेस को विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक दूसरे के कंसेंट से सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, यानी इसे लीगलाइज नहीं किया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, देखो, पर्सनल लॉज सच एज मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट रिक्वायर आइदर स्पाउस टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ अदर बिफोर मैरिज। जब हम पर्सनल लॉज के बारे में बात करते हैं, हम जब हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई स्पाउस हिंदू रिचुअल्स के अनुसार शादी करना चाहता है तो उसे सबसे पहले हिंदू होना पड़ेगा। यानी अगर वो किसी अदर रिलीजन का है तो उसे अपना रिलीजन हिंदू में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत। अगर दो कपल्स मुस्लिम कस्टम्स रिचुअल्स के अनुसार निकाह करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले मुस्लिम बनना पड़ेगा, अगर वो किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो। हाउएवर, ये जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है वो बेसिकली इस तरह के विवाह को, इस तरह के मैरिजेस को लीगलाइज करने का काम करता है। यानी इंटरफेथ मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस बेसिकली संपन्न कराए जाते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो स्पेशल मैरिज एक्ट बेसिकली इंटर रिलीजियस मैरिजेस को लीगलाइज करता है विदाउट कन्वर्टिंग दियर रिलीजन, राइट। और ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर हम इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये लगभग सभी लोगों पर एप्लीकेबल है इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसीज हो, ज्यूस हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो अपने रिलीजन को बिना कन्वर्ट किए शादी कर सकते हैं और कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि सेम सेक्स वाले लोगों के लिए भी समान अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से हमारे सोसाइटी में जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उन्हें जो राइट्स मिला हुआ है वो सेम राइट्स सेम सेक्स पर्सन्स को भी मिलना चाहिए।
और उनके सुरक्षा की भी मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने। और आम जनता से ये अनुरोध किया कि इनके संबंधों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करें, संवेदनशील रहें, ताकि इन्हें किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। ये अपने आप को सोसाइटी का पार्ट माने, ताकि ये फील कर सके कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो इन पर भी एप्लीकेबल है। ये सोसाइटी से अलग नहीं देखे जाते हैं, राइट। समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं यानी 21 पिटिशंस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगुवाई में 5 जजेस की बेंच ने सुनवाई करी। यानी अब तक सेम सेक्स मैरिज को लेकर के कुल 21 पिटिशंस दायर किए गए थे सेम सेक्स कपल्स के द्वारा। तो इन 21 पिटिशंस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अगुवाई में 5 जजेस ने फैसला दिया। कोर्ट ने 4 अलग अलग फैसला सुनाते हुए सर्वसम्मति से यानी एक दूसरे के कंसेंट से, एक दूसरे से सहमत होते हुए 3:2 यानी 3:2 के मत से कहा कि समलैंगिक जोड़े संविधान के तहत आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत इसका दावा नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं वो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत शादी का दावा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइट टू मैरी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट नहीं माना है, राइट। तो यानी 3:2 के रेशियो से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने अपना फैसला सुनाया। 3 जो थे वो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट थे, वहीं 2 सेम सेक्स मैरिज के फेवर में थे, जिनमें से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट कर रहे थे, राइट। इन 5 जजेस के बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस आर्गुमेंट को नकार दिया कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो अर्बन कॉन्सेप्ट है, वो शहरी कॉन्सेप्ट है। बेंच ने ये कहा कि ये सोचना सेम सेक्स केवल शहरी इलाकों में मौजूद है उन्हें मिटाने जैसा होगा, तथा किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति समलैंगिक हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी का लोग समलैंगिक हो सकते हैं, राइट। बेंच ने कहा कि ये कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। बेंच ने यह भी कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो शादी है, जो विवाह है, वो एक स्टेबल और एक अनचेंजेबल इंस्टीट्यूशन है। यानी विवाह करने के लिए जो रस्में हैं वो अपने आप में स्टेबल हैं, वो अनचेंजेबल हैं और उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। समय आने पर इनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि आप दोनों का हिंदू होना ज़रूरी है, राइट। और लॉ क्या है? लॉ इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कस्टम एंड यूसेज। जैसे अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करें तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है, राइट। वहीं सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है। हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज को
संस्कार माना गया है, शादी को, विवाह को संस्कार माना गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह को एक संस्कार माना गया है, एक पवित्र बंधन माना गया है जिसका उद्देश्य संतान पैदा करना है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड है एंड टू फॉर्म अ फैमिली। तो व्हाट इज द एंड गोल ऑफ मैरिज? द एंड गोल ऑफ एनी मैरिज इन एनी रिलीजन, फिर चाहे आप मुस्लिम लॉ के बारे में बात करो या आप हिंदू लॉ के बारे में बात करो, द एंड गोल ऑफ एवरी मैरिज इज प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड विथ अ व्यू टू फॉर्म अ फैमिली। ठीक है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड और परिवार बढ़ाना, ये उद्देश्य है विवाह का। अच्छा, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट के चैप्टर 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में बात करता है, सेक्शन 12 बेसिकली वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में बात करता है, शून्यकरणीय विवाह के बारे में बात करता है, इन ग्राउंड्स के बेसिस पर आपका जो शादी है वो वॉइडेबल माना जा सकता है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है एंड यू कैन सीक डाइवोर्स। तो क्या क्या ग्राउंड से? देखो, सबसे पहला ग्राउंड है दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। इंटरकोर्स बिटवीन द टू पार्टनर्स मस्ट हैव बीन हैपेंड, और अगर किसी रीजन से ये चीज नहीं होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और आइदर ऑफ दिस स्पाउस डाइवोर्स ले सकती है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर, यानी ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पोटेंसी। ऑन द ग्राउंड दैट उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, राइट? तो ये क्या है? इट इज वॉट? इट इज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब देखो आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो कहने का मतलब यह है कि विवाह कोई स्टेबल और कोई अनचेंजेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि एक विवाह को संपन्न करने के लिए हम जिन रस्मों को, जिन संस्कारों को निभाते हुए आ रहे हैं पुरातन समय से, उन्हें भी आगे ही हम कैरी ऑन करेंगे। इनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं एज पर दी चेंजिंग सिचुएशंस, राइट? समलैंगिक जोड़ों पर FIR दर्ज करने से पहले जांच करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह कहा और स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुलिस को सेम सेक्स कपल्स को लेकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यानी प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। CJI ने कहा कि इस प्रकार के संबंधों को मान्यता नहीं देना उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेम सेक्स कपल्स सहित सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है, यानी सेम सेक्स कपल्स के साथ साथ जितने भी ऑर्डिनरी पीपल हैं उन सबको अपने लाइफ में उनके जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वर्च्यूज हैं, उनका आकलन करने का उनके पास अधिकार है। अब कानून ये नहीं मान सकता कि केवल जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं यानी जो विपरीत लिंगीय लोग हैं वही एक अच्छे माता पिता बन सकते हैं, वही एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो पुलिस से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये अनुरोध किया कि सेम सेक्स लोगों के अगेंस्ट FIR दर्ज करने से पहले आपको इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कमिटी बनाए और लोगों को जागरूक करे। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया और ये कहा कि
जो कानून बनाने का कार्य है, कानून बनाने का जो काम है वो विधायिका का है, वो लेजिस्लेचर का है। हम जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के चार पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेजिस्लेचर का काम क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर में हमने ये जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है। तो अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखो, हम जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना, लॉ में अमेंडमेंट करना, लॉस को रिपील करना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि लेजिस्लेचर जो भी लॉज बना रही है उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होने चाहिए। किसी भी मैनर में अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट हैं या जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, तो उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है जुडिशरी। और जिस हद तक वो लॉज लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं उस हद तक उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। और चौथा पिलर क्या है? मीडिया है। अब मीडिया क्या काम करती है आप सभी जान रहे हो। तो दीज आर वॉट, दीज आर फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल रिव्यू के भी कॉन्सेप्ट को दोहराया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने तरफ से एक कमिटी बनाए और लोगों को जागरूक करने का काम करे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन था? तुषार मेहता थे, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तुषार मेहता के बयान को दर्ज करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार समलैंगिक लोग यानी जो सेम सेक्स पीपल हैं उनके अधिकारों के संबंध में फैसला करने के लिए एक कमेटी का गठन करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंट्रल, स्टेट्स और जितने भी यूटीज हैं उन्हें ये निर्देश दिया कि सेम सेक्स कपल्स के राइट्स के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के दिशा में कदम उठाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे कपल्स, ऐसे पर्सन्स जो अपना सेक्स चेंज करना चाहते हैं, जब तक उन्हें ये पता न चल जाए कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, सेक्स चेंज कराने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, जिस आयु तक उन्हें ये पता ना चले कि इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उस आयु तक उन्हें समझाया जाए, उन्हें बताया जाए, ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि लिंग परिवर्तन, सेक्स चेंज ऑपरेशन की अनुमति उस आयु तक न दिया जाए जब तक इसके इच्छुक लोग इसके परिणाम को पूरी तरह समझने में सक्षम ना हो जाए, यानी जब तक वो मेजर ना हो जाए। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि ये सेम सेक्स कपल्स कौन होते हैं, इनका मतलब क्या है। देखो, समलैंगिक लोग यानी ऐसे लोग जो समान लिंग के तरफ आकर्षित होते हैं, सेम सेक्स कपल्स। अब बेसिकली क्या होता है कि इनके कुल 75 प्लस कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगरी है वो है इन चार लोगों का, एल फॉर लेस्बियन, LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, QUEER। अब आप लोग ग्रेजुएटेड लोग हो, आप लोग होशियार लोग हो तो आप जानते होंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो, लेस्बियन, जब एक महिला दूसरे महिला के तरफ आकर्षित होती है, व्हेन अ वुमेन अट्रैक्ट्स विथ अनदर वुमेन, उस वुमेन को हम कहते हैं लेस्बियन। गे क्या होता है? ऑपोजिट,
जब एक आदमी दूसरे आदमी से आकर्षित होता है तो उसे गे कहते हैं। तीसरा बी बाईसेक्सुअल, जो दोनों तरह के जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम बाईसेक्सुअल कहते हैं। ट्रांसजेंडर, देखो ऐसे लोग जो जन्म लिए लड़के की तरह लेकिन बाद में उनके बिहेवियर में चेंजेस आ गए और वो लड़की की तरह एक्ट करने लगे, या ऐसे लोग जो लड़की की तरह पैदा हुए लेकिन बाद में वो लड़के की तरह एक्ट करने लगे, उनका बिहेवियर लड़कों की तरह हो गया, तो उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। क्यू से क्वीर, ऐसे इंसान जो अपनी पहचान तय नहीं कर पाते हैं और अपनी शारीरिक चाहत को नहीं तय कर पाते हैं, फिजिकल वॉन्ट्स, और जो ना तो मेल कहलाएंगे ना फीमेल कहलाएंगे, जो ना तो लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर में आ सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे क्वीर। राइट, अब देखो समलैंगिक संबंधों को हमारे आईपीसी के सेक्शन 377 में एक ऑफेंस की तरह माना गया है। अब हम समझेंगे कि क्यों पिटीशंस पे पिटीशंस दायर होने लगे, इसके पहले क्यों पिटीशंस नहीं दायर किए जाते थे। राइट, देखो हमारे आईपीसी का सेक्शन 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है, और यहाँ पे क्या है कि जो सज़ा है समलैंगिक संबंधों के केस में जो सज़ा है वो 10 साल तक हो सकता है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या 10 साल के कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। क्या कहता है सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, हूएवर वॉलंटरली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो कोई भी पर्सन जो वॉलंटरली इंटरकोर्स करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर किसी मैन के साथ या वुमेन के साथ या एनिमल के साथ, आगे लिखा है शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 years अलॉन्ग विथ फाइन। अब देखो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर क्या मतलब है इसका, अननेचुरल सेक्स क्या है, इसके ऊपर एक डिटेल बहस हो सकता है तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अननेचुरल सेक्स क्या है इसे आप अगर इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो आप खाना कैसे खाते हो, मुंह से खाते हो, लेकिन अगर कोई पर्सन आपको नाक से खाना खिलाने लगे या आपके कान में खाना ठूस दे, इट इज़ वॉट, इट इज़ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप अननेचुरल सेक्स के रिलेशन में देख सकते हो, कोई भी पर्सन जो अननेचुरल सेक्स करता है किसी मैन के साथ, वुमेन के साथ, एनिमल के साथ, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसके लिए आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और आप पे फाइन लग सकता है। राइट, अब देखो इन द ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को, सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को पार्शियली इनवैलिडेट कर दिया। राइट, और सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को चैलेंज करते हुए सबसे पहला जो पिटीशन दायर किया गया था वो 2009 में दायर किया गया था नाज फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां आईपीसी के सेक्शन 377 को नाज फाउंडेशन ने इसके वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है उसका वॉयलेशन है, क्योंकि ये सेम सेक्स कपल्स के बीच संबंध बनाने से उन्हें रोकता है। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माना कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज वॉयलेशन ऑफ
आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसे एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और तो और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि थर्ड जेंडर भी एक जेंडर है और उन्हें भी मान्यता प्रदान किया गया। तो अब तक जहां हमारे सोसाइटी में दो जेंडर हुआ करते थे, मेल फीमेल, 2014 के बाद एक थर्ड जेंडर भी इंक्लूड कर दिया गया। समलैंगिक लोगों के अधिकारों को देखते हुए राइट, पुट्टास्वामी एंड अदर्स के केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो समाज के हर नागरिक को उपलब्ध है, जिसकी गारंटी खुद संविधान देता है। इस पर्टिकुलर जजमेंट के आने के बाद एक पिटीशन दायर किया गया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। कोर्ट ने यह कहा कि अब देखो, जब राइट टू प्राइवेसी का मामला आया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक पिटीशन फाइल होता है। और कोर्ट ने यह कहा कि प्राइवेट स्पेस में अगर एक समान लोग, एक समान लिंगीय लोग, सेम सेक्स कपल्स प्राइवेट स्पेस में अगर संबंध बनाते हैं तो ये अपराध नहीं है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सेक्शन 377 क्या कहता है, हूएवर वॉलंटरीली हैज कार्डिनल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, व्हाट इज नेचुरल सेक्स, व्हाट इज अननेचुरल सेक्स। ठीक है, अब देखो जब इन लोगों को प्राइवेट स्पेस में संबंध बनाने का को लेकर के अधिकार मिल गया, तो इन लोगों ने सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के पिटीशन दायर कर दिया। ठीक है, कुल 21 पिटीशन दायर किए गए जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया, और जो अब तक की कहानी है जिसे हमने समझा राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए या अभी के लिए इसे लीगल स्टेटस नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर फ्री लेक्चर्स अवेल करने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए नॉलेज ग्रिप चैनल को। थैंक यू।